नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। बेटे प्रशांत दुबे ने पिता के निधन की पुष्टि की है। राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे 74 साल के थे। निधन की खबर के बाद पार्टी और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है। हरद्वार दुबे जनसंघ जमाने के नेता थे। आगरा में उन्होंने बीजेपी की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई है। सांसद के निधन पर पार्टी नेता सबसे बड़ी संख्या में लोग शोक जता रहे हैं। हरद्वार दुबे के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने बीजेपी नेता के निधन को बेहद दुखद बताया। ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हरद्वार दुबे का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पुण्य आत्मा को प्रभु श्री राम के चरणों में जगह देने और शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। हरद्वार दुबे मूल रूप से बलिया जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1949 को बलिया के हुसैनाबाद में हुआ था। 1969 में आगरा आने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व किया। हरद्वार दुबे को एबीवीपी में संगठन मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1989 में आगरा छावनी से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 1991 में दोबारा चुनाव जीतकर कल्याण सिंह की सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। विवादों के चलते उन्होंने 1 साल में ही मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और दोस्तों, अब दुनिया से अलविदा कह दिया है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी में मातम पसर गया है। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।